हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा के लिए मैं मैथ के 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं मैथ के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएफ या फिर रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एसएससी की, आरपीएफ की या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और पैटर्न तो 100% रिपीट होता है। अगर आप ये 100 ऐसे क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन पूरे देखने हैं, 6 से 7 पार्ट में मैंने ये डिवाइड किए हैं। तो इन सभी पार्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तो आपको हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, ढूंढ के आपको ये वीडियो देखनी है और अपने सभी दोस्तों को भी दिखानी है। प्लीज़ आप ये छोटी सी हेल्प कर दीजिए मेरी कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है और जितने भी आपके फ्रेंड है जो आरपीएफ की परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और वीडियो को आप मैक्सिमम जितना हो सके लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम 4 और 5 घंटे में भरते हैं। यदि वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी भरने में लगा समय क्या है, यानी कि टंकी को कितना समय लगेगा भरने में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि बारी बारी वाला आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आरपीएफ में, तो ये अगर मिलता है तो करना कैसे है इस ये ध्यान से देख लीजिए। बस ये तो आपको पता है ना कि ए भरता है 4 घंटे में, बी भरता है 5 घंटे में, बस इतना ही हमें चाहिए इस क्वेश्चन से और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बताया टाइम एंड वर्क का चैप्टर हो चाहे पाइप एंड सिस्टम का हो, तो करना कैसे होता है। सबसे पहले लिखिए कि ए यहाँ पे 4 घंटे में भरता है, बी यहाँ पे 5 घंटे में भरता है। तो जिस टंकी को ये भरते हैं उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उस टंकी में कितना यूनिट पानी आ सकता है, तो बस आपको इन दोनों कैल्शियम ले लेना है। 4 और 5 कैल्शियम कितना आ गया, 20। ये 20 जो आया है ये उस टंकी की टोटल कैपेसिटी है, यानी कि उसमें टोटल 20 यूनिट पानी आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो 20 को मैं 4 से भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 20 यूनिट पानी को 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, ए 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता होगा। फिर 20 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 20 यूनिट पानी को ये बी 5 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता होगा। यानी कि अगर दोनों को मिला के भराया जाए तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर्स हो गए, 1 आर वर्क, यानी कि 1 घंटे में ये 9 यूनिट पानी भर सकते हैं दोनों मिलकर के। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बारी बारी, यानी कि पहले ए आएगा भरने के लिए, बी नहीं आएगा, सिर्फ ए भरेगा 1 घंटा, फिर नेक्स्ट घंटे बी भरेगा, ए नहीं भरेगा, फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा, इस तरीके से अल्टरनेटिवली ये वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भर सकते थे, यहाँ पे अब यही 9 यूनिट पानी भरने में इनको 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे जो ये डे लिखा ना, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलती से ये डे लिखा गया, ये आर्स हैं। ठीक है, तो 9 यूनिट पानी भरेगा ये 2 घंटे में दोनों मिलके, जहाँ की ये एक घंटे में भर सकते थे 9 यूनिट पानी को। तो बस आपको यहाँ पे एक ट्रिक्स ये है कि इस 20 को जो टोटल कैपेसिटी है ना टैंक से, उस 9 यूनिट का एक ऐसा पाड़ा पढ़िए, एक ऐसा टेबल पढ़िए जो इस 20 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 9 दुनी 18, यानी कि 18 इससे कम है, तो 2 यूनिट तो आपका रिमेनिंग रह गया, आप इसको यहीं छोड़ते हैं। तो 9 दुनी 18 आपने क्या किया, 9 दुनी 18, यानी कि 1 डे वर्क के हिसाब से आपने 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 18 लिख दिया। बट यहाँ पे जो ये 2 है ना, इसकी 2 में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 आवर्स वर्क है, ये 2 जो 9 यूनिट लिखा है ना, ये 1 घंटे का काम नहीं है, 2 घंटे का काम है। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 4 घंटे में 18 यूनिट पानी भर देंगे दोनों मिलके, 4 घंटे में 18 यूनिट पानी भर देंगे। बचा हुआ 2 यूनिट पानी कौन भरेगा, जो वर्क को स्टार्ट करता है। तो 4 घंटे में तो इन्होंने भर दिया था 18 यूनिट पानी, और 2 यूनिट पानी को भरने कौन आएगा, ए। तो ए भरता है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी, तो 2 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा, 4 सही, 2/5 हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बताइएगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा दोबारा से फिर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है,
पटरी पे खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये ट्रेन जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इसे 9 सेकंड में ये पार करके चली गई। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी, कोई बड़ी काम नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए आदमी खड़ा है, इस ये ट्रेन आई पीछे से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 9 सेकंड में इसको पार कर गई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा जो होता है सिंपल सा, समय निकालने का, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल से हम भाग कर देते हैं। जब कोई खड़े हुए व्यक्ति को या फिर किसी भी ऐसी वस्तु को पार करती है ट्रेन जिसकी कुछ लंबाई नहीं हो सकती, जैसे खंभा हो गया, कोई व्यक्ति हो गया या फिर कोई भी पतली से पतली चीज़, कोई डंडी खड़ी है उसको ट्रेन पार करके जा रही है, तो जब भी ऐसी चीज़ को पार करके जाती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उस रेलगाड़ी की लंबाई से ही हम रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देते हैं रेलगाड़ी की लंबाई को, तो हमारा समय निकल के आ जाता है। तो समय तो हमें दे दिया गया है 9 सेकंड, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल भी हमें दे दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बस रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम मान लेंगे x और यहाँ पे समय रख लिया हमने 9 सेकंड, रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपका सेकंड और मीटर में है। तो यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 80 की 5 में करेंगे तो 400 और 18 को मैं ऊपर ले जाकर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x बराबर, ये 400 की करेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा 3600। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 3600 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो x की वैल्यू यहाँ पे आई थी ना 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरीके से दिया गया है, √128 + √260 - √16 का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, इसको करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके से मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे ये 16 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट हटा के 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 260 - 4, √260 - 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये रहेगा बिल्कुल सेम, तो इसको मैं सोल्व करूँगा कितना हो जाएगा 256, तो रूट हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 256 किसका होता है 16 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 128 + 16, तो 128 + 16 को मैं प्लस करूँगा तो 144 और 144 रूट हटाऊँगा तो कितना जाएगा 12, यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, बस करिए सबसे पहले तो सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में कि इसको किया कैसे जाएगा और स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंडों का क्वेश्चन है ये, यदि और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है पहले से, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। यदि टीवी और फ्रिज के मूल्य में 3:2 का अनुपात है, रेशो दे रखा है 3:2, यानी कि टीवी का रेशो 3 है और फ्रिज का रेशो 2 है, तथा टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है। जो टीवी का मूल्य है ना वो फ्रिज के मूल्य से 6,000 अधिक है, तो फ्रिज का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। भाई देखिए टीवी और फ्रिज का यहाँ पे जो रेशो दिया गया है मैंने लिख लिया 3:2, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, यानी कि जो टीवी का रेशो है वो फ्रिज के रेशो से 1 ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो प्राइस बताए गए वो 6,000 ज़्यादा बताए गए। भाई यहाँ पे ये बताया गया क्वेश्चन में कि टीवी जो है वो फ्रिज से 6,000 का ज़्यादा महंगा है, अधिक है, तो यहाँ पे रेशो में तो केवल 1 दिख रहा है, तो 1 बराबर आपका 6,000 हो जाएगा। पूछा किसका गया है, फ्रिज का, तो 1:6 है तो 2:2 क्या हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में तो कितना हो जाएगा 12,000, तो फ्रिज आपका 12,000 का हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे टीवी पूछा जाए कि टीवी कितने का, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में तो 6×3=18,000 का आपका हो जाएगा टीवी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि 7वीं संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो 7वीं संख्या क्या है। तो भाई सिंपल है ना, देखिए 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो 6×12 अगर मैं कर दूं तो टोटल आपका आ जाएगा, फिर यहाँ एक 7वीं संख्या आती है और उनका औसत 1 से घट के कितना हो जाता है 11 हो जाता है, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। एवरेज 6 नंबर का जो कितना है 12 है, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 6 और 12 करेंगे 72, ठीक है,
और यहाँ पे 7 नंबर 1 नंबर बढ़ता है और एवरेज 1 से घट जाता है, तो 11 हो जाता है। तो 7 गुना 11 करेंगे तो 77, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पे 5 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 7वां नंबर था वो कितना था, 5 था, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया गया है दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 70 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% कितना है वाटर है और 90% आपका क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। अगर 10% वाटर है तो बचा हुआ मिल्क बचेगा ना। तो यहाँ पे देखिए अगर प्रतिशत में से मैं लीटर में निकाल लूँ तो 70 का 10% निकाले 7, यानी कि 7 लीटर, तो 70 लीटर मिश्रण में 7 लीटर तो आपका पानी है और 63 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना और पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना पानी मिलाना है। देखिए जो आपका पानी है वो 7 लीटर है, तो 7 में कितना और मिलाया जाए कि ये 37% हो जाए। भाई यहाँ पे जिसमें मिलाने की बात की जा रही है ना, सिर्फ उसमें x की प्लस करेंगे, तो 7 लीटर में कितना और मिलाया जाए, तो मैंने x प्लस कर दिया कि 37% हो जाए। बाकी मिल्क आपका 63 का 63 रहेगा क्योंकि इसमें हमें कुछ मिलाना नहीं है। और ये यहाँ पे जब 37% आपका वाटर हो जाएगा तो बचा हुआ 100 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63% आपका मिल्क बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली 7x 7 + x अपॉन में 63 और 37 अपॉन में 63। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लेनी है। तो 63 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 7 और प्लस x में, तो 441 + 63x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 और 63 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2331 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 63x बराबर कितना हो जाएगा 1890। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1890 को 63 से डिवाइड करेंगे तो 30 लीटर। यानी कि अगर मैं पानी 7 लीटर पानी में, यानी कि इसमें और पानी मिला दूँ, 30 लीटर और पानी मिला दूँ, तो इसमें 37% आपका पानी हो जाएगा और 63% आपका मिल्क हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 37% अगर पूछे कितना लीटर मिल्क हो गया है अभी, तो 7 पहले था, 30 अब मिला देंगे तो कितना 37 लीटर यहाँ पे मिल्क हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 में बेचता है, यानी कि 2 घोड़े हैं उसके, 500-500 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है। उसे संपूर्ण सौदे पर लाभ होगा या हानि होगी, या लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। भाई एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, बस एक पॉइंट अगर आप समझ गए तो बिल्कुल क्वेश्चन आप देखते ही सोल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैं बोलूँ तो अब 1% हानि हुई है, तो आप क्या सोचोगे कैसे मैं 1 सेकंड में बता दिया। भाई संजय जब भी कभी, संजय या फिर कोई भी हो, कोई भी सेम वस्तु को बेचे, यानी कि प्रत्येक के प्राइस सेम हो और एक पे उसे सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो और एक पे सेम परसेंटेज यानी कि हानि हो और एक पे लाभ हो, एक पे लॉस हो और एक पे हानि हो, सेम परसेंटेज हो, ठीक है, तो यहाँ पे उस कंडीशन में हमेशा हानि ही होगी। ये सबसे पहली कंडीशन याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पता कैसे चलेगा, अब ये तो मैंने बता दिया कि अब यहाँ पे 1% की हानि हुई है, ये कैसे पता चलेगा। अगर आपको ऊपर वाली बात समझ में भी नहीं आई है तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, x + y + x (y/100) सभी जानते हैं ना आप इसको, तो बस इसमें इसको अप्लाई कर दीजिए। एक में प्रॉफिट हुआ, एक में हानि हुई, उसे एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को मैंने लिख लिया प्लस में और हानि को लिख लिया माइनस में। तो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट और इनटू माइनस हानि अपॉन में 100। जब भी आपका माइनस में आए कुछ भी तो इसका मतलब लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट में यानी कि प्लस में आएगा तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 10 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 100। तो माइनस के 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, लॉस हो जाएगा। तो ये आपका 1% का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इफेक्टिव परसेंटेज का अप्लाई करके बिल्कुल सही आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इफेक्टिव परसेंटेज का। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर करके। 500 पर 10% की दर से 1 वर्ष पश्चात चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 500 रुपये पर 10%
की दर से एक वर्ष पश्चात, एक वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों आपको पाई चार्ट और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में DI वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन इसका भी लेके आया हूँ और धीरे धीरे आपको इसी तरीके से 6-7 क्वेश्चन करा दूंगा मैं DI के, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर बोला जा रहा है एक देश का व्यापार घाटा, करोड़ों में संख्या है ये सारी की सारी, और एक देश का व्यापार घाटे के यहाँ पर दिए गए हैं कि किस सन में कितना हुआ है। तो यहाँ पे 1987 से 88 में घाटा कितना हुआ है 2200 करोड़ का, ठीक है। इसी तरीके से 1988 से 89 तक में यहाँ पे हुआ है 3100 करोड़ का, और यहाँ पे 1989 से 90 तक हुआ है 2100 करोड़ का, ठीक है। तो इस तरीके से ये घाटा दिया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9, ठीक है, 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे ये है वर्ष 1993 से 94 का घाटा वर्ष 1990 और 91 के घाटे का लगभग कितना गुना था। यहाँ पे जो 1993 और 94 का घाटा है ना, वो वर्ष 1990 और 91 के घाटे के लगभग कितना गुना था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1993 और 94 में कितना घाटा हुआ, 4200 करोड़ का है। देखिए यहाँ पे देखिए 1993 और 94 इस वाली लाइन में आप जाएंगे ऊपर, तो ये कितने का है, 4200 करोड़ का है। और 90 और 91 में आपका ये है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, 2800 करोड़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4200 को डिवाइड करना है 2800 से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 4200 को 2800 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 1.5 गुना का घटा रहा है। तो DI ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है। बस यहाँ पे आपको जो लगता है ना कि टाइम लगेगा, वो टाइम वाला अपने माइंड में जो मिथ है उसको निकाल दीजिए कि यहाँ पे टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन का जो पेपर एनालिसिस किया था उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, और आपके भी इसी तरीके से पेपर एनालिसिस भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसको भी देखते हैं, वर्ष 1989 से 90 में घाटे की तुलना में 1993 से 94 में घाटे के प्रतिशत वृद्धि थी। तो यहाँ पे अब की बार बतानी है 89-90 के घाटे की तुलना में 1993-94 घाटे में प्रतिशत वृद्धि थी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितना था 1993 से, और ये था 3600, और 1993 और 94 और 1989 से 1989 और 90 देख लीजिए आप, यहाँ पे ये हो जाएगा 2100, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, अगर परसेंटेज पूछी है तो 4200 में से 2100 माइनस करिए, तो नीचे आपका हमेशा परसेंटेज में जब भी जिससे कंपेयर किया जाता है तो उसका लिखना होता है, तो नीचे आप 2100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2100 से कंपेयर किया जा रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2100, 2100 से 2100 कट जाएगा एक बार, 2100 में करेंगे तो 100% आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 100%, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिन वर्षों में व्यापार घाटा और औसत घाटे से अधिक था उसकी संख्या का उन वर्षों से अनुपात जिसमें व्यापार घाटा और औसत से कम था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे औसत से बात की जा रही है तो सबका प्लस कर लेंगे, जो भी घाटा है ना सारे के सारे को प्लस करिए इनको, ठीक है। इन सभी का प्लस करके कितना आएगा देखिए एक बार, तो ये हो जाएगा आपका 23200, और इसको हम करेंगे 8 से डिवाइड तो कितना आएगा 2900, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 3:5 का रेशो, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो की आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी। और आप अगर आप चाहते हैं टेस्ट परचेज करना, तो ये सभी टेस्ट भी अवेलेबल हैं आपके लिए। RPF कॉन्स्टेबल के लिए 20 टेस्ट 120 रुपये में, RPF SI के लिए 20 टेस्ट 199 रुपये में, ग्रुप डी वीडियो और ALP CBT 2 के लिए भी। इनको कोड को यूज करके आप 120 में परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये टेस्ट है 149 रुपीज़ का। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।